आज मैं बना रही हूँ डोडा बर्फी। इसका टेस्ट आपको जो मिठाई वाली शॉप होती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1 लीटर दूध, तो इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में जो है पहले पानी नहीं डाली, जिसके वजह से बाद में जब दूध गर्म हुआ था तो वो थोड़ा नीचे बैठ गया था। तो अब जब भी इस तरह दूध डालें तो पहले पानी ज़रूर डाल दें। यहाँ पे मैं ली 1/4 कप दलिया, जो नॉर्मल दलिया आती है व्हीट की, गेहूँ की, उसी का मैं यूज कर रही। तो इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी मैं। दूध जब गर्म हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ पे दलिया को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पे सारे दलियों को मैं डाल दी हूँ, तो अब इसे हम कर लेंगे मिक्स। तो दूध जो है नीचे से थोड़ा सा बैठ गया था, तो जिसके वजह से आप देख सकते हैं दूध के ऊपर में जो ब्राउन ब्राउन है वो दूध हमारा नीचे थोड़ा सा बैठ गया था। तो इससे कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा जल जाए तो उसे आप ज़रूर निकाल दें, या फिर सबसे पहले कढ़ाई में पानी डालें उसके बाद ही दूध डालें। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू पकाते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद में हम इसमें बाकी की इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो दलिया हमारा जो है अच्छे से पका है या नहीं। तो इस तरह दबा के देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच दही। तो ये घर की फ्रेश दही है। दही जो है बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिठाई का टेस्ट जो है अच्छा नहीं आता है। अगर आपके पास में दही ना हो तो आप 1 से 2 दाने जो है सिट्रिक एसिड के डाल सकते हैं। साथ में मैं यहाँ ली हूँ 3 बड़े चम्मच घी, पर मिठाई में टोटल 5 चम्मच मैं घी का यूज की हूँ। तो इस तरह इसे कंटिन्यू मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इस तरह पकाते जाएंगे। अब इसमें दही को डाल देंगे हम। दही डालने से इसमें छोटे छोटे दाने आते हैं, जो जिस तरह हमें डोडा बर्फी का स्ट्रक्चर चाहिए उसी तरह बिल्कुल रहता है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि इसमें जो है थोड़े छोटे छोटे दाने आने लगते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार चीनी। यहाँ पे मैं चीनी टोटल 50 से 60 ग्राम का ही यूज कर रही हूँ। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और 1 चम्मच डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर। इससे जो है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, साथ में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1-1 चम्मच करके घी डालेंगे। घी डालने से मिठाई जो है सॉफ्ट बनती है, तो एक बार में ही हमें घी नहीं डालना है। यहाँ पर मैं ली हूँ 1/2 बाउल दूध और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कोकोआ पाउडर, यानी कि चॉकलेट का पाउडर। और इसे अब हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर गुड़ ना हो तो सिर्फ कोकोआ पाउडर से भी मिठाई हमारा तैयार हो जाता है, पर गुड़ डालने से उसमें और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े छींटे जो है आने लगे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम इसे डाल देंगे। तो पहले आधे ही डालेंगे, उसके बाद इसे करेंगे मिक्स, उसके बाद में बाकी पूरा डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा डाल दी हूँ, तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ बड़े बड़े छींटे आ रहे हैं, तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे हम ढक देंगे। और जब हमें इसे फिर से चलाना हो तो उससे थोड़ी देर पहले गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे इसके छींटे जो है थोड़े से कम आए। और इसे हर 1 से 2 मिनट पर इसे हमें चलाना है। और बीच बीच में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी, जिससे जो है मिठाई हमारा सॉफ्ट बन के तैयार होगा, बिल्कुल जिस तरह हलवाइयों की मिठाई होती है, या फिर आप बोल सकते हैं उससे भी अच्छी मिठाई आप घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी कटोरी नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। इसकी जगह आप काजू, आलमंड, किसी का भी ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डाल सकते हैं।
इसे इसी तरह कंटिन्यू पकाते जाएंगे। थोड़ी देर बाद जो है ये गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है और इसके जो छींटे हैं वो भी आना बंद हो जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कढ़ाई से जो है थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है। तो लास्ट में अब हम फिर से डाल देंगे एक चम्मच घी और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे आप मिठाई का जो है देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि अभी फेस्टिवल बहुत सारी आने वाली है तो इसे आप बना के आराम से 2 से 3 दिन तक बाहर में खा सकते हैं। फ्रिज में रख के इसे आप आराम से 10 से 15 दिन खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये अब अच्छे से पक चुका है। पैन भी जो है हमारा छोड़ने लगा है और इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। गैस को कर लेंगे बंद। तो यहाँ पे मैं इसमें अच्छे से लगा ली हूँ घी और अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे चाहे तो आप इसे गोल शेप भी दे सकते हैं। जब ये हल्का सा ठंडा हो तो आप गोल गोल इसके पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं। बट जैसे कि है ये डोडा बर्फी, तो बर्फी का शेप जो है हरदम स्क्वायर शेप में ही रहता है। अब इसके ऊपर मैं डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आलमंड का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो काजू पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये आराम से 3 से 4 घंटे लग जाता है इसे ठंडे होने में। और अगर आपको जल्दी बनाना हो माने खाना हो तो आप इसे जो है फ्रिज में रख सकते हैं जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद। तो ये अब अच्छे से ठंडा हो चुका है, सेट हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। या ईजिली जो है इस तरह निकल जाता है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस को कट कर लेंगे मिठाई को। एक बार इस डोडा बर्फी को ज़रूर ट्राई करें बिल्कुल इसी प्रोसेस से। और आपकी जो है मिठाई कैसी बनी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ जो मैं काट रही हूँ आप इसको समझ सकते होंगे कि ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसके साइड के पीसेस को इस तरह कट कर देंगे जिससे बिल्कुल मिठाई शॉप में जिस तरह डोडा बर्फी मिलती है उसी का जो तरह दिखे। तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल हलवाई शॉप की तरह जो है डोडा बर्फी घर में ही बन के तैयार है। बिल्कुल उसी तरह दिखने के लिए हम इसे, आप चाहे तो इसे प्लेट में निकाल के किसी को भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो भी समझे कि आपने इसे मिठाई शॉप से ख़रीद के लाया तो इस तरह जो पेपर आती है मिठाई वाली उसमें आप डाल के इसे रख सकते हैं। तो आप भी इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।